नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, आज का ये स्पेशल मॉडल पेपर रफ्तार टेस्ट पेपर होने वाला। दोस्तों क्या होगा, रफ्तार टेस्ट पेपर होगा और ये सामान्य ज्ञान, दोस्तों इंडिया सामान्य ज्ञान होगा, ठीक है। तो आपको ये देखना कि आप इस रफ्तार टेस्ट पेपर में कितने प्रश्न आखिर सही कर पाएंगे। दोस्तों ये वीडियो आप को लास्ट तक बने रह के देखना है। आइए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देता हूं वैसे, और ये जो क्वेश्चन है ना, कि पिछले मतलब दो दिन पहले मैंने आपसे ये पूछा था, इनमें से किसे ज्ञान से प्रकाशित कहा जाता है, मतलब कि ज्ञान से प्रकाशित किसे कहा जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो आपने राइट आंसर सभी भाई बहनों ने बुद्ध दिया था कि सर महात्मा बुद्ध थे। जी बिल्कुल, जिन्हें अपन गौतम बुद्ध कह लो, महात्मा बुद्ध कह लो, सिद्धार्थ कह लो, दोस्तों है ना, तो ये थे, ठीक है। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था आप सभी का। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन है, जजिया को किसके शासन में पुनः लगाया गया था, जजिया कर को किसने जो है अपने शासन काल में पुनः लगा दिया था। तो दोस्तों आप सभी का राइट आंसर होगा औरंगजेब। क्या हो जाएगा, औरंगजेब होगा सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छो की बात है कि आप लोगों ने यहाँ पे बी ऑप्शन को लॉक किया। अच्छा दोस्तों बता दूँ आपको, इस क्लास के अंत तक बने रहना, सुपर फास्ट टेस्ट देने वाला हूँ आपको। क्या सुपर फास्ट टेस्ट दूंगा, और अंत तक बने रहिए, बस देखते हैं कितने क्या क्वेश्चन आप सही करते हैं। एलोरा की गुफाएं इनमें से किसकी है, दोस्तों एलोरा की गुफाएं इनमें से किसकी है, हिंदू की गुफाएं या बौद्ध की गुफाएं या जैन की है या फिर ये सभी है। तो दोस्तों एलोरा की गुफाएं जो है ना, ये हिंदू की भी है, बौद्ध की भी है, जैन की भी है, और यहाँ पर डी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किसे भारतीय मैकियावेली कहा जाता है, दोस्तों जल्दी से जवाब दीजिएगा, इनमें से किसे जो है भारतीय मैकियावेली कहा जाता है। मैक्सिस को नहीं कहा जाता, चंद्रगुप्त द्वितीय को भी नहीं कहा जाता। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें, इन्हें विक्रमादित्य कहा जाता है। दोस्तों क्या, विक्रमादित्य कहा जाता है, ठीक है। और कौटिल्य उर्फ चाणक्य हो जाएगा आप सभी का लॉक हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है, कौटिल्य उर्फ चाणक्य हो जाएगा, इन्हें भारत का मैकियावेली कहा जाता है। दोस्तों वर्तमान के पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा पंजाब के हिस्सों में 1830 ईस्वी में कौन सी व्यवस्था जो है आरंभ की गई थी। दोस्तों व्यवस्था थी या फिर क्या था ये, इस टाइप का मतलब बंदोबस्त था, इजारेदारी व्यवस्था होगा या स्थाई बंदोबस्त होगा या महालवाड़ी व्यवस्था होगा या रेतवाड़ी व्यवस्था होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर होगा महालवाड़ी व्यवस्था, ठीक है, सी ऑप्शन को एक बार सभी भाई बहन लॉक करेंगे। फिलहाल अपना सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। वेदों की ओर लौटो, ये आह्वान किसने दिया, ये जो है ना नारा किसने दिया, दोस्तों ये किसने कहा कि वेदों की ओर लौटो, है ना। तो राइट आंसर जो है दोस्तों यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर होगा विवेकानंद नहीं बल्कि स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान दे देना, बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, वेदों की ओर लौटो किसने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, सभी को पता है। अकबर नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। देखिए दोस्तों, अकबर नामा लेखक के पुस्तक का नाम क्या है, सॉरी अकबर नामा पुस्तक के लेखक का नाम क्या है ना, तो राइट आंसर अबुल फजल हो जाएगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। और आई ने अकबरी भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया था, ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। फिलहाल अपना ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। और गुलबदन की बात करें तो हुमायूं नामा लिखा था इसने। नंबर 54 क्वेश्चन है आज का, मतलब नवा क्वेश्चन है। और दोस्तों नवे क्वेश्चन की बात करें, आज का नवा क्वेश्चन चार मिनट भी नहीं हुए। 1659 ईस्वी में शिवाजी ने किस किले में अफजल खान को मौत के घाट उतार दिया, शिवाजी ने अफजल खान को मौत के घाट उतारा 1459 में, दोस्तों कौन से किले में। आपने कहा सर ये प्रतापगढ़ होगा, तो चलो साहब प्रतापगढ़ को लॉक करते हैं, कौन से ऑप्शन को, प्रतापगढ़ को, बी ऑप्शन लॉक्ड हो जाएगा। दोस्तों ध्यान दे देना थोड़ा सा, किसके शासनकाल के दौरान पिट अधिनियम को प्रस्तावित किया गया था, किसके शासनकाल के दौरान पिट अधिनियम को प्रस्तावित किया गया। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर जो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ जाएगा, किसके साथ, वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजा शिवाजी के प्रशासन में राजकीय पत्रसार का उत्तरदायी जो था वो कौन था, राजा शिवाजी के प्रशासन में राजकीय पत्रसार का जो उत्तरदायी जो था वो किसके पास में था। तो दोस्तों सुरनवीस होगा या न्यायाधीश होगा, क्या हो जाएगा, आपने कहा सर सुरनवीस होगा, तो चलो सी ऑप्शन सभी मिलके लॉक करेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है, इससे आसान क्या होगा, दोस्तों जल्दी बताना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई,
65 नहीं होगा, 1905 भी नहीं होगा, 1875 भी नहीं होगा, 1885 को आप सभी लॉक करेंगे दोस्तों। आज भी अपन सुपर फास्ट पढ़ रहे हैं सुबह की मॉर्निंग की क्लास को। मूक नायक जो पत्रिका है ना, इसकी शुरुआत किसने की थी, जरा बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। मूक नायक पत्रिका की शुरुआत जो है ना किसने की दोस्तों, एम जी रानाडे, गोपाल गणेश आगरकर, डॉक्टर बी आर अंबेडकर या महात्मा गांधी। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी आर अंबेडकर, डॉक्टर बी आर अंबेडकर हो जाएगा मूक नायक पत्रिका की शुरुआत। सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा सभी प्यारे भाई बहनों का। 59 क्वेश्चन नंबर है, किसके शासनकाल के दौरान ह्वेनसांग भारत भ्रमण पर आया था दोस्तों, किसके शासनकाल के दौरान ह्वेनसांग भारत भ्रमण पर आया था, ये आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। राइट आंसर आप सबको पता होना चाहिए, ह्वेनसांग भारत पर आया था, भारत में आया था हर्षवर्धन के काल में, मतलब कि उस समय मैं आपसे बात करूं तो बौद्ध संगीति भी हुई थी दोस्तों, पाँचवीं मतलब सातवीं सदी में, जैसे कि 630 ईस्वी में बौद्ध संगीति हुई थी पाँचवीं, ठीक है। और ये जो है हर्षवर्धन कन्नौज के राजा थे, कहाँ के, कन्नौज के शासक थे दोस्तों, और ह्वेनसांग जो है इसके अध्यक्ष रहे थे संगीति के, सबको पता होना चाहिए साहब। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इससे आसान क्वेश्चन आपको कोई मिलेगा नहीं भाई साहब, निम्न में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते हैं, तो दोस्तों कालीबंगा हो जाएगा राइट आंसर। आपने कहा सर कालीबंगा हनुमानगढ़ में के, हाँ जी हनुमानगढ़ में बिल्कुल दोस्तों, इसके बारे में आपको सारा कुछ बता तो चुका हूँ वैसे भी, तो यहाँ पे वैसे भी आज अपने सुपर फास्ट है तो साथ ही साथ ले चलेंगे। 61 आपकी स्क्रीन पर है कि भाई जो अपना है ना महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में सार्वजनिक गणेशोत्सव की जो शुरुआत की गई ना किसके द्वारा की गई, जी के गोखले के द्वारा या फिर जी जी आगरकर या बी जी तिलक या एम जी रानाडे। दोस्तों देखिए महाराष्ट्र में सार्वजनिक गणेशोत्सव की जो की गई थी ना वो बी जी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, मतलब कि राइट आंसर सी ऑप्शन लॉक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके साथ लॉर्ड मैकाले का नाम जुड़ा हुआ, इनमें से कौन सी दोस्तों प्रथा या फिर कौन से मतलब शिक्षा या फिर संधि या बंदोबस्त किसके साथ लॉर्ड मैकाले का नाम जुड़ा हुआ है, तो दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है लॉर्ड मैकाले का नाम जो है ना दोस्तों किसके साथ जुड़ा है पता है आपको। सर नहीं पता तो चलिए अंग्रेजी शिक्षा को लॉक कीजिएगा दोस्तों, कौन सी शिक्षा को, अंग्रेजी शिक्षा को लॉक कीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के गर्म दल के नेता थे, इनमें से कौन जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के गर्म दल के जो नेता थे ना वो कौन थे। देखिए दोस्तों देखिए लाल बाल और पाल ये तीनों थे, तो इसमें लाल बाल पाल में से कोई दिख रहे हैं आपको सर, देख रहे हैं तो सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, तो राइट आंसर आप सभी का सी ऑप्शन हो जाएगा। ओके चले अगला क्वेश्चन 64 है, काकोरी ट्रेन डकैती में कौन शामिल थे दोस्तों, बताइए राइट आंसर क्या होगा। काकोरी ट्रेन डकैती में कौन शामिल थे, सूर्य सेन, राम प्रसाद बिस्मिल, खुदीराम बोस या भगत सिंह। दोस्तों बिस्मिल को लॉक करेंगे सारे भाई बने, आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, 64 तक अपन मतलब कि 45 से लेकर 19 क्वेश्चन हो गए अभी तक अपने, 8 मिनट हुए दोस्तों। उम्मीद है आप इस क्लास के अंत तक जरूर जुड़े रहेंगे सुपर फास्ट में। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, ये बताइए राइट आंसर क्या होगा। फतेहपुर सीकरी का निर्माण सुपर फास्ट की इस क्लास का ये 65 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर हो जाएगा आपका अकबर, है ना, ये दोस्तों है कहाँ पे वैसे आप सबको पता ही है वैसे यूपी में, है ना। चले साहब यहाँ पर पंचमहल भी है वैसे और इबादत खाना भी है। नंबर 65 आपकी स्क्रीन पर है, प्रथम जैन जो सभा हुई थी ना ये नालंदा, तक्षशिला, वल्लभी या पाटलिपुत्र। पहली जो जैन सभा होती है ना दोस्तों ये नालंदा में होती है क्या, नहीं सर ये पाटलिपुत्र में होती है जी बिल्कुल, 300 ईसा पूर्व में होती है दोस्तों। कब होती है, 300 ईसा पूर्व में, वहीं 483 ईसा पूर्व में दोस्तों बौद्ध संगीति होती है पहली। कब बौद्ध संगीति पहली 483 ईसा पूर्व में, वो जो है वो दोस्तों कहाँ पे होती है, वो राजगृह में होती है, ठीक है। और इसके स्थूल भद्र दोस्तों क्या थे, स्थूल भद्र दोस्तों क्या थे, अध्यक्ष थे, और यहाँ पर महाकश्यप अध्यक्ष थे, कौन, महाकश्यप। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखना बौद्ध और जैन ऐसे तुलनात्मक दृष्टि से। नंबर 67 आपकी स्क्रीन पर है कि 1793 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा आरम्भ की किसने, बताओ जल्दी से आंसर बताओ साहब, क्वेश्चन लाजवाब है। बोले सर लॉर्ड जो है कॉर्नवालिस होगा क्या सर,
या लॉर्ड हार्डिंग होगा? नहीं साहब, हार्डिंग नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, कान वाले इसको लॉक करेंगे। बी ऑप्शन सही उत्तर होगा आज सभी का। अगला क्वेश्चन है, आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई थी दोस्तों, आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई थी, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई थी ऋग्वेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से, अथर्ववेद से? आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई थी ऋग्वेद से या सामवेद से या यजुर्वेद या अथर्ववेद? दोस्तों आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई थी अथर्ववेद से, ठीक है। इसमें दोस्तों इस मतलब कि आयुर्वेद चिकित्सा का ज्ञान हमें मिलता है उसमें, ठीक है, अथर्ववेद में और वगैरह वगैरह है इस टाइप का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन से शासक का संबंध गुलाम वंश से था? अरे साहब कितना लाजवाब क्वेश्चन पूछा है 69 का। निम्न में से कौन से शासक का संबंध गुलाम वंश से था? इल्तुतमिश, हुमायूं, अकबर, अहमद शाह, अमदादी, अब्दाली? तो दोस्तों इल्तुतमिश हो जाएगा, गुलाम वंश कह लो या दाश वंश कह लो दोस्तों, है ना, दाश वंश कह लो या गुलाम वंश कह लो, एक ही चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा शासक जो है सिंचाई के लिए बड़ी संख्या में नहरों के लिए बहुत प्रसिद्ध हुआ था? राइट आंसर, उम्मीद है सभी भाई मैंने बताएंगे। देखिए निम्न में से कौन सा शासक सिंचाई के लिए बड़ी संख्या में नहरों के लिए बहुत प्रसिद्ध हुआ था? तो फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा, मतलब बी ऑप्शन सर होगा क्या? हाँ जी बी ऑप्शन। निम्न में से कौन बंगाल में भक्ति आंदोलन का संत था? दोस्तों कौन बताएंगे जरा बताइयो, निम्न में से कौन बंगाल में भक्ति आंदोलन का संत था? देखिए ये आसान है, भक्ति आंदोलन का संत जो बंगाल में था, कबीर तो नहीं था, तुलसीदास भी नहीं था, विवेकानंद जी भी नहीं थे, चैतन्य हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों, क्या हो जाएगा? चैतन्य हो जाएगा सर, डी ऑप्शन के, हाँ जी डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इसी प्रकार से किसने सभी सिखों को एकता के सूत्र में बांधा था और पंजाब राज्य का गठन करवाया? दोस्तों कौन से वो व्यक्ति थे जिन्होंने सिखों को एकता के सूत्र में बांधा और फिर जो है पंजाब का गठन भी करवाया? तो दोस्तों वो थे कौन? वो थे महाराजा रणजीत सिंह, मतलब सी ऑप्शन को लॉक किया जाए क्या? हाँ जी सी ऑप्शन को लॉक किया जाएगा। और दोस्तों गुरु गोविंद सिंह ये सिखों के 10वें गुरु थे, ठीक है, और तेग बहादुर, नानक वगैरह ये सारे देखिए अपन वैसे बात कर चुके हैं एडवांस्ड में, तो फिलहाल अपन ये सुपरफास्ट कर रहे हैं। तख्त ताऊस दोस्तों, ये तख्त ताऊस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक जो था ना वो कौन सा था? तख्त ताऊस ये दोस्तों किसने बनाया था? शाहजहां ने। तख्त ताऊस पर बैठने वाला जो अंतिम मुगल शासक जो था, मुगल शासक जो था वो राम क्या था, कौन था जल्दी बताइए, सॉरी मोहम्मद शाह था दोस्तों, कौन था? मोहम्मद शाह था। अच्छा ये मोहम्मद शाह दोस्तों कौन है? ये इन्हें रंगीला शासक भी कहा जाता है, क्या? रंगीला शासक भी कहा जाता है। चलिए नंबर 74 है, निम्न में से किस संत का नाम शिवाजी से जुड़ा हुआ है? इनमें से कौन से संत का नाम शिवाजी से जुड़ा हुआ है दोस्तों? इन ऑप्शन में से आपको बताना है, इन ऑप्शन में से आपको बताना है, इनमें से कौन से संत का नाम शिवाजी से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों रामदास जी हो जाएगा राइट आंसर, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट होगा। कौन सा होगा? बी ऑप्शन, जो ऑप्शन में दे रखे उस अकॉर्डिंग। नंबर 75 है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब किया था? भाई साहब ये क्वेश्चन लाजवाब है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब किया था? 1470, 1510, 1570 या 1610? पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा 1510 में किया था दोस्तों, और अंत तक भी यही यहाँ पे बने रहे थे और बाद में ये निकले गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी का बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से जवाब देना है। देखिए दोस्तों 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला को किसने हराया था? 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला को किसने हराया था, ये ही तो आपको बताना है। सिराजुद्दौला को किसने हराया? बोले सर क्लाइव ने, लॉर्ड क्लाइव ने हराया था। किसको? सिराजुद्दौला को। और ये युद्ध होता है 1757, इस युद्ध का नाम क्या है दोस्तों, कोई बताएंगे जरा? जिनको भी बताओ इस युद्ध का नाम बताना है, देखते हैं कौन कितने होशियार है, जल्दी बताना जिनको पता हो। चलो नंबर 77 में, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा किसकी स्मृति में बनवाया? दोस्तों अकबर ने फतेहपुर सीकरी यूपी में बुलंद दरवाज़ा जो बनाया ना, किसकी स्मृति में बनाया? तो ये आसान है, अपने पुत्र सलीम के जन्म के उपलक्ष में? नहीं साहब, अपनी गुजरात विजय के उपलक्ष में? जी बिल्कुल, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे सारे भाई बने। कौन से ऑप्शन को? बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। अच्छा तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था, किसने किया जरा बताइयो? एक आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान है, तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया? मोहम्मद गोरी हो जाएगा,
सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, है ना। इनके साथ कौन था, जयसंत साथ में था, लेकिन बाद में जयसंत को भी मोहम्मद गोरी के द्वारा ही मारा गया था। नंबर 79 है, देखिएगा का निर्माण, किसका निर्माण 1632 ईस्वी में आरंभ किया गया था और 1648 ईस्वी के अंत में पूरा हुआ। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 1632 में शुरू हुआ, 1648 में कंप्लीट हुआ, वो था ताजमहल। कौन सा था ये, ताजमहल था, है ना, ध्यान रखना। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया, मोहम्मद मतलब कि किस बेगम, कौन सी, मुमताज़ बेगम की याद में, ठीक है। नंबर 80 क्वेश्चन है, निम्नलिखित महान मुगलों में से कौन एक प्रथम श्रेणी का कवि भी था। दोस्तों इनमें से कवि कौन था ये बताओ मुझे, अकबर था, बाबर था, जहांगीर था या शाहजहां। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, आप कहेंगे सर कौन से एग्जाम में, बताऊँ आपको, SSC एग्जाम पूछा गया, महान मुगलों में से कौन एक प्रथम श्रेणी का कवि था, वो था बाबर। दोस्तों कौन था, बाबर, काफ़ी भाई बने अकबर की करेंगे, लेकिन बी ऑप्शन सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 81 है, किसके शासनकाल में शिवाजी के नेतृत्व में मराठा आंदोलन एक चुनौतीपूर्ण शक्ति के रूप में विकसित हुआ था। किसके शासनकाल में शिवाजी के नेतृत्व में मराठा आंदोलन एक चुनौतीपूर्ण शक्ति के रूप में विकसित हुआ, तो दोस्तों औरंगजेब आलमगीर हो जाएगा राइट आंसर, सी ऑप्शन। ओके ध्यान रखेंगे ना, जी सर रखेंगे। 82 में क्या पूछा जा रहा है, अकबर के शासन में भू राजस्व प्रणाली का कर्ता निम्न में से कौन हुआ करता था। अकबर के शासन में भू राजस्व प्रणाली का कर्ता निम्न में से कौन था, दोस्तों ये कौन था, अबुल फजल नहीं था, टोडरमल था। दोस्तों कौन था, टोडरमल था राइट आंसर। राजस्व मंत्री को कह सकते हैं आप, भू राजस्व प्रणाली का कर्ता भी कह सकते हैं, तो राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, समझ रहे ना। चले साहब बहुत बढ़िया। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सम्राट अकबर के शासन में हुमायूं नामा लिखा गया, ठीक है, तो किसने लिखा, गुलबदन बेगम ने लिखा, अहमद यादगार ने लिखा, या फिर अब्बास सरवानी ने, या फैजी सरहिंदी ने। तो दोस्तों फैजी सरहिंदी भी इनका नवरत्नों में से एक था, लेकिन सही जवाब आपका जाएगा ए ऑप्शन, गुलबदन बेगम होगा। कौन सा हो जाएगा, गुलबदन बेगम ने दोस्तों क्या लिखा, ये लिखा हुमायूं नामा। अच्छा क्वेश्चन था, ए ऑप्शन को लॉक किया जाए। और अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनमें से किसके शासन के दौरान मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की। जल्दी बताइए, देखिए इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनमें से किसके शासनकाल के दौरान मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की। राइट आंसर होगा शाहजहां के काल में, ठीक है, किसके काल में, शाहजहां के काल में, मतलब डी ऑप्शन लॉक्ड हो जाएगा। दोस्तों एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ लास्ट क्वेश्चन, और आप सबको बताना है, जो भी भाई बहने बताएंगे देखते हैं कौन क्या बताते हैं। एक क्वेश्चन है जो लास्ट है, इसका जवाब आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना है। आज की क्लास दोस्तों 17 मिनट में अपन ने 40 क्वेश्चन पढ़े हैं, उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक वाइक कर लेना, और दोस्तों आज शॉर्ट में ही दे रहा हूँ क्लास, 17 मिनट मात्र, है ना। तो दोस्तों उम्मीद है ज़रूर क्लास अच्छी लगी होगी, और अपना थम्सअप मुझे ज़रूर देवें, थम्स अप मतलब लाइक ज़रूर करें अपनी क्लास को, और शेयर करना ना भूलिएगा। छोटी सी क्लास है, अब आज तो टाइम भी नहीं लगेगा शेयर करने में, है ना। जो भी भाई बहने लास्ट में जुड़े, इस क्लास को स्टार्ट से देख लेना, जैसे कि आपके 40 क्वेश्चन आज इंडिया जीके के क्लियर हो जाएंगे। ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। तो दोस्तों इसका जवाब आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना है, ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी थी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज आपको दिन में दोस्तों मिलेगी कौन सी, रीजनिंग की वीडियो मिल जाएगी, ठीक है, किसकी, रीजनिंग की वीडियो मिलेगी, जो कि बाय कुलेरिया सर, ठीक है, तो ज़रूर से ज़रूर उसको भी देखना। बहुत बहुत धन्यवाद।